चलो भाई आगे चलते हैं। तो अगली चीज़ हम करते हैं, इसको बोलते हैं कि यूवी ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम पहले करते हैं यूवी ग्राफ से पहले चर्चा। तो चर्चा ए डिटेल नहीं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस पे डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लेट्स चर्चा इन डिटेल अबाउट कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है भाई, अब करते क्या है मैं आपको बता दूं फिर, कि हमारे पास दो चीज़ होती है, एक्स वाई बराबर माइनस एफ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फर्स्ट फोकस से, ये सेकंड फोकस से, और ये नेगेटिव है, एफ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट राइट है फर्स्ट फोकस से, तो ये राइट है तो पॉजिटिव, तो वाई नेगेटिव होगा। देन इमेज इज लेफ्ट ऑफ एफ टू। ठीक है ना, मतलब ये राइट होगा क्योंकि एक्स फर्स्ट फोकस है और वाई सेकंड फोकस है। तो अगर ये फर्स्ट फोकस का राइट होगा तो सेकंड फोकस का लेफ्ट होगा, और उल्टा भी सही है। एंड ऑब्जेक्ट लेफ्ट फ्रॉम एफ वन, देन इमेज इज राइट ऑफ एफ टू। ठीक है, एक फर्स्ट के राइट होगा तो दूसरा लेफ्ट होगा, एक फर्स्ट के लेफ्ट होगा दूसरा राइट होगा। दूसरी बात, हमको एक और चीज पता है कि इमेज की वेलोसिटी, ये लेंस रुके पे है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनटू एफ एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से हमको ये मिलता है सिंपल सी चीज कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सिंपल सी चीज। और मैग्निफिकेशन की बात भी कर लेते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो बेसिकली एफ बाय एक्स ही होता है, इट्स प्लस एफ बाय एक्स। आई थिंक मैग्निफिकेशन इज प्लस एफ बाय एक्स और माइनस एफ बाय एक्स, जो भी होता है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो आपके प्लस प्लस एफ बाय एक्स होता है, माइनस एफ बाय एक्स होता है, पता नहीं क्या होता प्लस होता है, वहां माइनस आता तो यहाँ प्लस आता है, तो मैग्निफिकेशन प्लस एफ बाय एक्स होता है। अब मैग्निफिकेशन प्लस एफ बाय एक्स होता है तो हम लोग केवल, वैसे प्लस एफ बाय एक्स मॉडुलस की बात करते हैं, तो अगर एक्स एफ के बराबर है तो मैग्निफिकेशन वन है। ठीक है, अगर एक्स एफ के बराबर है तो मैग्निफिकेशन वन है। इसी तरीके से अगर एक्स एफ से छोटा है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन है। और एक और चीज सत्य है कि अगर एक्स एफ से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन लेस देन वन है। ये तीन चीजें, अगर एक्स एफ से बड़ा है, बराबर है तो मैग्निफिकेशन वन, छोटा है तो वट एवर वट एवर वट एवर। एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फर्स्ट फोकस से। ठीक है भाई, अब हम कुछ चीजों को लेकर के हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आप लोग फटाफट पॉज करके लिख लो, ये उतना आसान नहीं है जितना मिरर में था। मिरर में चार सेक्शन बन गए थे, 1 2 3 4, वन की इमेज टू में, टू की इमेज वन में, थ्री की इमेज फोर में, फोर की इमेज थ्री में, लाइक दिस। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है मामला, कैसे मैं समझाता हूँ। सपोज कि ये एक लेंस है, अब यहाँ कई सारे सेक्शन बनेंगे, एफ वन एफ टू एफ थ्री नहीं एफ वन टू एफ, एफ टू सेकेंड फोकस टू एफ। ठीक है, कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या कि बहुत सिंपल है कि आपके पास, अगर मैं एक टेबल बना दूं, यूवी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे, इमेज ऑप्टिकल सेंटर हमेशा बनता है क्योंकि आप फॉर्मूले से देखोगे तो 1/v माइनस 1/u 1/f होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अगर u 0 होगा तो ये 1/v इन्फिनिटी होगा, 1/v इन्फिनिटी होगा तो v आपके पास 0 हो जाएगा। ये आप इससे भी देख सकते हो, एक्स वाई बराबर माइनस एफ स्क्वायर से, कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो फर्स्ट फोकस उसकी डिस्टेंस जाएगी प्लस एफ, तो उसकी डिस्टेंस प्लस एफ है तो वाई माइनस एफ हो जाएगा, तो इधर ही हो जाएगा यू 0 वी 0। दूसरा, पैरेलल रेज का मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी कहाँ मिलेंगी, एफ टू पर, प्लस एफ पर। दूसरा भी सत्य है कि अगर ऑब्जेक्ट माइनस एफ पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी।
बस एक पॉइंट और होता है इसमें, वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट अगर -2f पर है तो इमेज +2f पर होती है। तो ये मेरे पास सारे केसेस हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज F2 एंड सो ऑन। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरा हाथ जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दोनों सेम साइड मूव करते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो इन सेक्शंस को नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4। इसमें हम सब चर्चा कर लेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट इधर है रियल है, ऑब्जेक्ट उधर है वर्चुअल है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट उधर का मतलब रेज इधर से ही आ रही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यही इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट उधर का मतलब बेसिकली रेज वहाँ कन्वर्ज करती है। ऑब्जेक्ट इधर है रियल है, ऑब्जेक्ट उधर है वर्चुअल है, इमेज उधर है रियल है, इमेज इधर है वर्चुअल है। मैं मान के चल रहा हूँ ये राइट साइड जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन, तो मान के चल रहा हूँ कि ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है बच्चों। चलो भाई अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं। तो चलो भाई हम चालू करते हैं इन्फिनिटी से। तो ये मान लो इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज F2 पर, ये आई इमेज, ठीक है। दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, मैं बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट -2f पर, इमेज +2f पर, ठीक है, सही। तो इन्फिनिटी का फोकस, फोकस का फोकस, 2f का 2f। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर F1 पे, इमेज इन्फिनिटी पर होगी, ठीक है बच्चों। फिर देख लो आराम से, ये इसका इधर, इसका इधर, इसका इन्फिनिटी पर। अब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो इमेज और आगे जाएगी, लेकिन इमेज तो ऑलरेडी कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। अब इसके आगे कहाँ जाएगी, कैमरे से बाहर निकल जाएगी, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्टिक्स में +∞ -∞ सेम होता है, लेकिन कहाँ पे, ऑप्टिक्स में। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वैसे +∞ इधर वाला होगा, -∞ इधर वाला होगा, क्योंकि अगर पैरेलल रेज है तो आप मान सकते हो कि उधर मिल रही है या फिर इधर रेज मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान सकते हो कि इधर से किसी सोर्स, बहुत दूर सोर्स से इधर वहां मिल रही है, आप मान सकते हो उधर मिल रही है। ऑप्टिक्स में +∞ -∞ में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब सुनो मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ बच्चों कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर थी, इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, इन्फिनिटी। अब ये आगे जाएगा तो उसको आगे जाना पड़ेगा, वो आगे जा नहीं सकता, कैमरे से बाहर निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, +∞ को बना देंगे -∞। अब देखो ऑब्जेक्ट 0, इमेज 0, ठीक है। और आखिरी चीज, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी जाएगा तो इमेज F2 आ जाएगी, ठीक है ना, इन्फिनिटी के F2 पे होती है। फिर आप देखना आराम से, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, दिस 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 इन्फिनिटी। इसको क्या करूं, -∞ ले जाओ, 0 की 0, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का इमेज F2, ठीक है। तो मैंने सारी मूवमेंट बता दी आपको, ठीक है। तो होप सो यू हैव अंडरस्टूड द मूवमेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। एग्जैक्टली F1 पर मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी होगी, यहां पर मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक, क्योंकि x 0 है। यहां से यहां तक x लेस देन f है, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। यहां से यहां तक x फिर लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। एग्जैक्टली 2f और पोल पर, इन दोनों केस में जो मैग्निफिकेशन होगी वो 1 होगी, ठीक है। यहां पर भी क्योंकि x f है, और यहां भी मैग्निफिकेशन 1 होगी, प्लस माइनस बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है। प्लस माइनस में कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन f बाय x होती है, f पॉजिटिव है। अब x देखना है, इधर होगा, ठीक है ना, तो इधर सारा x नेगेटिव है, इधर सारा x नेगेटिव है, तो इधर x नेगेटिव होने का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, और इधर x पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इधर लिख लो, सब कुछ इधर हो जाएगा। इस पूरे रीजन में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, सॉरी नेगेटिव होगी, और इस पूरे रीजन में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। और इधर भी कुछ नहीं करना, अब इधर जाओगे तो एक्स एफ से बड़ा होगा, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। इधर भी जाओगे, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, इधर भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, इधर भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, मैग्निफिकेशन छोटी होती जाएगी, क्योंकि जितना आप फर्स्ट फोकस से दूर जाओगे मैग्निफिकेशन कम होती जाएगी। तो हम लोगों ने सारी ऑब्जेक्ट और इमेज मूवमेंट कर ली, ठीक है। तो अब देखो फटाफट, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, यहाँ की यहाँ, यहाँ की इन्फिनिटी, इसको -∞ ले जाओ, 0 की 0 और इन्फिनिटी की F2,
ठीक है भाई। तो ये मेरे पास सारे डायग्राम हो गए, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं कि मैं क्या करता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट कहीं पर देता हूँ, आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर है तो इमेज कहाँ पर होगी, ठीक है। इमेज सीधी होगी, उल्टी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, ये सब बताना है आपको, ठीक है। और बड़े छोटे का एक और तरीका है कि क्लोजर इज बिगर, ठीक है ना। तो नहीं सॉरी, क्लोजर इज स्मॉलर, ये एंड फार्दर इज बिगर। ये लॉजिक हमेशा काम होता है, जितना पास होगा, जितना पास होगा वो उतना छोटा होगा, और जितना दूर होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो भाई, तो होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। आप इसको पॉज करो, इसको पॉज करके फटाफट लिखो, और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग एक आध सवाल करते हैं इस पे। ओके बच्चों, पॉज करो एंड स्टार्ट राइटिंग। चलो भैया, ये बोर्ड साफ हो चुका है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो मैं फिर एक लेंस बनाता हूँ, मैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूँ, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है। एफ टू एफ ऑप्टिकल सेंटर, एफ टू एफ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, छः रीजन, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कि मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इन वन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर वन में है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ कहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन वन है तो नेचुरल सी बात है, रियल है, ठीक है भाई। अब इमेज कहाँ बनेगी, तो अपन कैसे देखते हैं, कोई फॉर्मूला लगाएं, कुछ लगाएंगे। इन्फिनिटी की ये एफ वन है, एफ टू, इन्फिनिटी की एफ टू, टू एफ टू, टू एफ, इन्फिनिटी की एफ टू, टू एफ टू, टू एफ। इसका तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से इन्फिनिटी से मतलब वन में घूम रहा है, तो इमेज जो है फाइव में घूम रही है, ठीक है। इन्फिनिटी की एफ टू और टू एफ का टू एफ, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट वन में रियल है तो इमेज जो है इन फाइव है, तो ये भी रियल है, राइट साइड इमेज रियल है, ठीक है। तो इमेज आपसे पूछा जाए कहाँ है, फाइव में। अब देखो, ये रियल, ये रियल, बोथ रियल, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ रियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टी इमेज। सौ तरीके हैं देखने, ठीक है। अब ऐसे भी सोच सकते हो कि आपने ऑब्जेक्ट बनाई और मुझे पता है कि इमेज को ये वाली लाइन पास करेगी, इमेज ऑब्जेक्ट जोड़ने वाला लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो नेचुरल सी बात है कि इधर ऑप्टिकल सेंटर है तो वो नीचे ही होगी। सौ तरीके हैं देखने, देयर आर 100 वेज टू सी, ठीक है। कभी भी ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, तो उल्टी होगी, क्योंकि ऊपर हो भी नहीं सकती, ऊपर होगा तो ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं करेगा। चलो भाई, तो ऑब्जेक्ट जो है वन में है तो इमेज कहाँ होगी, फाइव में होगी, बोथ रियल, उल्टी इमेज होगी, बड़ी छोटी, ठीक है। बड़ी छोटी का बहुत सिंपल है, बड़ी छोटी देखने का तरीका यह है कि ऑब्जेक्ट दूर है और इमेज पांच में पास है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है टू एफ से इधर है और वो टू एफ से इधर है, तो नेचुरल सी बात है कि इमेज जो होगी इज बिग एज इन, इमेज इज स्मॉल एज नियर, इमेज छोटी है क्योंकि नजदीक है, ठीक है ना। उल्टी इमेज बनेगी लेकिन छोटी क्योंकि नजदीक है। या आप ऐसे देख सकते हो कि ये इधर है तो एक्स जो है बेसिकली वो एफ से बड़ा है, तो एक्स एफ से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन लेस देन हो। तो ये आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन एफ बाय एक्स विद साइन ले लो, तो एफ जो है आपके पास है ना पॉजिटिव है, और एक्स जो है जो भी है वो बेसिकली नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है फोकस, एक्स नेगेटिव है, ठीक है ना, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन एफ है, ठीक है। एक्स जो है वो एफ से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्निफिकेशन होगी आपके पास वो नेगेटिव आ गई है ना, लेकिन लेस देन वन आएगी, तो एम इज नेगेटिव बट एम की जो मॉडुलस है वो वन से कम, इसका मतलब इमेज छोटी होगी। आप कैसे भी देख लो, सौ तरीके हैं देखने के, ठीक है।
ऐसे ही मैं आपको ऑब्जेक्ट टू में दूं, थ्री में दूं, फोर में दूं, फाइव में दूं, सिक्स में दूं, आप काम कर सकते हो। तो भी मैं आपको दो एग्जांपल और दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप सही से देख सको कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो इमेज कहाँ पर, इमेज कैसी, बड़ी छोटी, वॉट एवर यू कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप फटाफट देख लो, मिटा दो, हम सारे केस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो अभी कुल मिला के बस 15 मिनट की हुई है, बस तो नहीं, 15 मिनट बड़ा होता है, लेकिन अब मैं फटाफट काम करूंगा। मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लो। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट टू में, तो ऑब्जेक्ट टू में तो इमेज कहां पर, तो देखो भाई, इन्फिनिटी की F2, 2F का 2F और F1 का इन्फिनिटी, ठीक है ना। फिर देखना इन्फिनिटी का F2, 2F का 2F, F1 का इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इन टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज इन सिक्स, ठीक है। और ऐसा मान लो कि ये इधर है, वो सिक्स में, तो उल्टा हो गया ना, तो बोथ रियल या ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लो, इमेज इज उल्टी। इमेज उल्टी का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है। फिर देख लो भाई, इमेज ऑब्जेक्ट टू में है तो एक्स जो है एफ से बड़ा होगा, एफ से छोटा होगा, एक्स एफ से छोटा होगा तो मैग्निफिकेशन वन से बड़ी होगी, तो इमेज बड़ी बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी, ठीक है। कैसे भी देख लो, 100 तरीके होते हैं। देखो, अगर आपको इमेज छह में पता चल गई तो आप सोचो, अगर आप इसको ऐसे भी जोड़ लेते हो तो आपको साफ साफ दिखता है ये दोनों आपके पास सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये नजदीक है, ये दूर है, ये छोटा होगा बड़ा होगा, 100 तरीके हैं देखने के, देर आर एन नंबर ऑफ वेज, ठीक है। इमेज दो में हो गया, अब हम बात करते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट तीन में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट तीन में जब होगा, इधर है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो हैंड टू हैंड बनाते रहा करो। अब देखो, ऑब्जेक्ट तीन में तो इन्फिनिटी का F2, 2F का 2F, F1 का इन्फिनिटी। अब इसके बाद इसको पलटना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तीन से, अब देखो, ऑब्जेक्ट F1 से ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा, तो इमेज जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर तीन में है तो इमेज जो होगा वो वन टू थ्री कहीं भी हो सकता है। आप सोचना, ये इधर आ गया, ये जीरो, तो ये भी जीरो आएगा, तो ये पहले वन में होगा, फिर टू में होगा, फिर थ्री में होगा, तो इमेज जो होगा वन टू थ्री कहीं भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब दोनों अगर इधर ही होंगे तो नेचुरल सी बात है कि अगर ये है, ये इधर है, तो अगर आप इनको कहीं भी जोड़ लो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो ये सीधी इमेज होगी। वैसे भी देखो, इमेज इधर है तो वर्चुअल, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल हो गया तो सीधी होगी, क्योंकि एक रियल है एक वर्चुअल, सीधी इमेज होगी आपके पास। अब आपके पास क्या होगी, इमेज वर्चुअल तो इमेज सीधी होगी, ठीक है, और नेचुरल सी बात है, इमेज दूर है तो बड़ी भी है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव हो गया, मैग्निफिकेशन वन से बड़ा हो गया। वैसे भी देख लो, अगर ऑब्जेक्ट तीन में है तो एक्स एफ से छोटा है, और 100 तरीके हैं देखने के, एक्स एफ से छोटा है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन वन से बड़ी होगी, देयर आर 100 वेज टू सी, ठीक है। तब भी मैं चार पाँच छः और देख लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो ऑब्जेक्ट जो है चार पाँच छः कहीं पर भी है, मैं मिटा रहा हूँ, फटाफट पॉज करके लिख लो आप, मिटा दूँ, मिटा रहा हूँ। चलो, अब ऑब्जेक्ट इन चार पांच छह कहीं मान लो फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं बता रहा हूं कि दोनों जीरो पर मिलते हैं। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर जाता है तो इमेज F2 पर जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट चार पांच छह कहीं पर भी इमेज चार पे होगी, तो इमेज इन चार, तो ऑब्जेक्ट चार पांच छह, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, लेकिन इमेज जो है वो चार में रहेगी, तो इमेज क्या होगी, रियल। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि उल्टी इमेज बनेगी, फिर से उल्टी इमेज बनेगी, समझ बात। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट अगर छह में ही है, सपोज वर्चुअल, तो इमेज इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो इमेज मान लो यहां की बन गई, ठीक है, सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, सॉरी, इमेज आपके पास, एक सेकेंड, हाँ ठीक, तो इमेज आपके पास, सॉरी, रियल बन गई, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल, तो एक वर्चुअल एक रियल, तो हमेशा, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, हमेशा सीधी इमेज बनेगी। सेम प्रजाति के होते हैं तो उल्टी इमेज बनती है, यहाँ पे सेम प्रजाति के नहीं, यहाँ पे ऑपोजिट प्रजाति के, वो वर्चुअल है ये रियल है, वो वर्चुअल ये रियल, तो आपके पास जो इमेज होगी वो क्या होगी, इमेज आपका सीधी होगी। और वैसे भी अगर आप ऑप्टिकल सेंटर जोड़ दो, तो ऑप्टिकल सेंटर जोड़ने का मतलब ऊपर ही होगी, नीचे तो हो नहीं सकती, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन लेस देन वन होगा, आपको दिख ही रहा है इधर होगा उसके, ठीक है, या वैसे भी एक्स एफ से बड़ा है,
एक्स तो यहाँ से डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है, ठीक है। आप कैसे भी देख लो, अगर आप मैग्निफिकेशन को एफ बाई एक्स भी लिखते हो तो ये पॉजिटिव भी होता है और ग्रेटर देन वन भी होता है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एक्स खुद पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स राइट साइड है। तो 100 तरीके हैं देखने के, यू कैन सी वॉट एवर यू द वे यू फील लाइक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ हो गया। तो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली कनकेव सॉरी कन्वर्जिंग लेंस पे, अब हम इतनी ही चर्चा करते हैं डाइवर्जिंग लेंस पे, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस पे चर्चा होगी, फिर डाइवर्जिंग लेंस पे इतनी चर्चा करते हैं और फिर इनके ग्राफ बनाते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर, नोट इट डाउन, बाय।